हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज और कुछ क्लीनिंग के हैक्स जो मैं अपने घर को क्लीन करने में या ऑर्गेनाइज करने में यूज करती हूँ। तो आप लोगों को भी इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो गाइज, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब बात आती है घर की क्लीनिंग की या ऑर्गेनाइजेशन की तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं मेरे घर के सारे ड्रॉअर। फिर चाहे वो मेरा बेड साइड टेबल का ड्रॉअर हो या मेरे कबर्ड्स के ड्रॉअर हो, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मैं सबसे पहले जाऊँ और अपने ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करूँ, उनको क्लीन करूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने बेड साइड टेबल का ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो चलिए आज मैं बता देती हूँ कि किस तरह से मैं अपने बेड साइड वाले टेबल को ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बेड के साथ रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें रात में यूज़ होती है। ये सारे आइडियाज़ आप लोगों को आज इस वीडियो में बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको पहले अच्छे से एम्प्टी कर दिया है, अब हम इसे क्लीन कर देंगे, डस्ट फ्री कर देंगे, उसके बाद हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कुछ ऐसी चीजों से जो रात में अगर हमें उसकी जरूरत पड़े तो बिल्कुल हम एक हाथ आगे बढ़ाएं और चीजें हमें बिल्कुल मिल जाएं। सो गाइज, आफ्टर डस्टिंग मैंने इसमें बिछा दिया है एक पेपर जो कि पहले से ही इसमें बिछा हुआ था। उसके बाद मैं इसमें एक ऑर्गेनाइजर रखने वाली हूँ जो मैंने खुद ही DIY किया है घर पे। कार्टन बॉक्स और मेरी एक पुरानी कुर्ती को कवर करके मैंने ये ऑर्गेनाइजर बनाया है। इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये कुछ वेस्ट मटेरियल है, इसे मैं ड्रॉअर में कुछ पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ ताकि छोटे छोटे सामान को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ। ये सारी चीजें सब वेस्ट हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजर यहाँ पे मैंने बाय नहीं किया है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ चीजें अगर मैं वेस्ट मटेरियल से बना पा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली वो चीजों को ट्राई करती हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे तरीके से बनके रेडी हो चुका है। अब मैं क्या क्या चीजें इसमें रखती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं हमारे मोबाइल के चार्जर। तो बिल्कुल मैं अपने बेड साइड के टेबल के वहाँ चार्जर रखना हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो फटाक से हमें चार्जर यहीं से मिल जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ स्टोरी बुक्स रखती हूँ अपनी डॉटर के लिए, और कुछ बुक्स मैं पढ़ती हूँ या मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, तो वो कुछ बुक्स मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ। और इस बुक्स को मैं रिप्लेस करती रहती हूँ महीने में या 15 दिन में, जब भी हमारे स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं बुक्स को यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। तो ये चीज़ें भी मुझे रात में लगती है, तो इसलिए मैं बुक्स इसी टेबल में रखती हूँ। नेक्स्ट चीज़ें मैं रखने वाली हूँ इसमें कुछ नेल कटर्स। कभी कभी रात में हमारे नेल्स अगर हमारे किसी बिस्तर में फंस जाते हैं या टूट जाते हैं तो इमीडिएटली हमें नेल कटर लगता है, तो इसलिए मैं नेल कटर रखती हूँ। और यहाँ पे मैं थर्मामीटर, कुछ मेरा नाइट क्रीम भी रखूँगी, विक्स रखूँगी बेबी का मेरा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल बेड साइड टेबल में ऑर्गेनाइज करके रखनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल हमें नहीं मिलते हैं। कुछ क्लचर्स में पे रखती हूँ, और ये रिमोट से कुछ एसी के वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो रात में ही हमें यूज़ होती है वही सारी चीज़ें मैं इस साइड टेबल में रखती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं रखती। उस टेबल को आप ऊपर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम से डेकोरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ये DIY किए हुए मेरे ग्लास वाले बॉटल रखे हैं, यहाँ पे आप लैंप भी रख सकते हैं या पानी के बॉटल्स तो हम यहाँ पे रखते ही हैं। सो गाइज, ये देखिए मेरा बेड साइड टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने यहाँ पे बाय नहीं किए हैं। सो गाइज, अगर आपके घर में भी बेबी है तो इस तरह के सामान बिखरे हुए आपको बिल्कुल अपने घर में भी दिख जाएंगे, और मेरे घर में तो दिख ही रहे हैं। तो देखिए, मेरी डॉटर अभी यहाँ से प्ले करके गई थी तो ये सारा फिलारा मेरे घर में 3 से 4 टाइम बिल्कुल होता रहता है, और ये मैं बार बार क्लीन करती रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी के भी घर
फुल टाइम या फुल डे ऑर्गेनाइज नहीं रहते, हमें तुरंत उसी चीज को अगर हम ऑर्गेनाइज करके रख दे, समेट के रख देंगे तो हमारा घर डेफिनेटली ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा। तो गाइज मैंने अपनी हैबिट्स अभी इन दिनों इस तरह से डाल ली कि जब भी चीजें मुझे बिखरी हुई दिखती है मैं तुरंत उसको उठा के उसके रिस्पेक्टिव प्लेस पे रख देती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैंने अपने घर को क्लीन रख लिया है, कुछ हद तक मैंने अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो ऐसे कुछ हैबिट्स आप अपने अंदर डालोगे तो डेफिनेटली आपका घर क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ। पहले ये सारी चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कभी मेरा घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता था, कभी क्लीन नहीं रहता था, लेकिन मैं जब से ये सारे हैबिट्स में फॉलो करने लगी हूँ मेरा घर क्लीन भी रहता है, कुछ हद तक ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो ऐसे कुछ चीजें हमें कर लेनी चाहिए। तो आज के टास्क में मैंने रखा था अपने फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स को क्लीन करने का और ऑर्गेनाइज करने का। तो कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऑलरेडी रखी हुई हैं तो वो सब मैं निकालूंगी और थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगी, डस्ट फ्री कर दूंगी। तो गाइज इससे मेरा जो वेजिटेबल बॉक्स है वो भी क्लीन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कभी भी आप पूरे घर का काम एक साथ नहीं किया कीजिए। कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स आप अपने टास्क में रखिए और उनको अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लीन करेंगे तो डेफिनेटली आपका घर हमेशा क्लीन भी रहेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा। कभी भी पूरा किचन एक साथ क्लीन या ऑर्गेनाइज करने बिल्कुल भी नहीं बैठिएगा, नहीं तो आपके काम भी नहीं होंगे और आपको फ्री वाला फ्रस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अपने वेजिटेबल बॉक्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है, डस्ट फ्री कर दिया है। अब वापस से हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे। और जो लोग अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए, सबके तरीके अलग होते हैं, सबके दिमाग अलग होते हैं, सब अपने घर को अपने तरीकों से अपने रूटीन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने वेजिटेबल बॉक्स को क्लीन करने के लिए विनेगर का यूज करती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं फ्रिज क्लीनिंग का। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं अपने फ्री के ऑर्गेनाइजर्स को यूज करूंगी। तो ये जो टेबल मेट्स है वो मैंने इसको एज अ लाइनर बिछा दिया है। उसके बाद जो जो वेजिटेबल्स मैं अपने वेजिटेबल बॉक्स में रखती हूँ, किस तरह से रखती हूँ वो आप देखिए। कुछ मैं यहाँ पे बॉक्सेस यूज करती हूँ जो कि मेरे फ्री वाले जो कंटेनर्स होते हैं, जो फूड ऑर्डर करते हैं, वो सारे कंटेनर्स मैं यहाँ पे यूज करती हूँ वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुछ ये ट्रे हैं जो मैंने पहले बहुत पहले बाय की थी, ये भी काफी अच्छी है, इनमें भी हम अच्छे से वेजिटेबल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं अपने वेजिटेबल बॉक्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। गाइज आप लोग कैसे करते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ये सारे वीडियोस बनाने के लिए, और ये वीडियोस की हेल्प से ही हम सीखते हैं कि हमारे घर को हमें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरह से क्लीन रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें इन वीडियो की हेल्प से समझ आ जाती हैं। सो गाइज होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।